हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल मैं सुबह 6 बजे सोकर उठ गई थी और इतनी ठंडा ठंडा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद सुबह सुबह नहाकर मैं जाऊंगी मंदिर में, क्योंकि आज मुझे मेरा व्रत खोलना है। तो मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके और भगवान जी को थैंक यू बोल के आज मैं 9 दिन बाद, पूरे 9 दिन बाद अपना फास्ट व्रत खोल रही हूँ। और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भगवान जी से मांगा था भगवान जी ने मेरा पूरा किया। और आपको तो पता ही है, समझ ही गए होंगे कि क्या मेरी इच्छा थी, क्या मेरी विश थी, और जो मांगा था सब कुछ हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो रहा है। तो बस अब तो व्रत खोलना भी था, और बहुत प्रेशर आ गया था खुद के ऊपर। इतने ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आने लग गए थे, मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए थे, रिलेटिव्स का, फैमिली का, दोस्तों का, कि निधि अब तो आपकी मन की पूरी हो भी चुकी है, तो अब आप व्रत क्यों नहीं खोल रहे हो, आपको अपना व्रत खोल के कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चलो, अब मैं बाइक पे आई थी, विहान तो सोने लग रहा था। और अब कहते हैं ना कि जब भी आप अपना व्रत खोलो तो कुछ मीठा मीठा खाने से या फल फ्रूट खाने से अपना व्रत खोलना चाहिए, कभी भी अन्न खाने से अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो, मेरे घर में काजू कतली रखी हुई थी, तो मैंने दो पीस मैंने काजू कतली के खाए, और मैंने 1 महीने बाद मीठा खाया है काजू कतली, और बहुत अच्छा लगा। और देखिए, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी है, ये देखिए, पापा जी कल रात को आए थे, और बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली मुझे भी देख के कि देखो सब कुछ ज़िंदगी में जब अच्छा अच्छा हो रहा है। तो पापा जी भी आए और विहान से मिले, और विहान को गले लगा लिया था, इतना प्यार किया विहान को, विहान भी बहुत खुश हो गया था, बोलता नानू आ गए, नानू आ गए। पापा जी को देख के ही इतना खुश हो जाता है, बहुत इंतज़ार करता है मेरा विहान तो, पापा कब आएंगे, पापा को देखना है, पापा से मिलना है। तो बस सरप्राइज़ था विहान के लिए भी, तो विहान के चेहरे पे देखो कितनी स्माइल आ गई है, बहुत हैप्पी हैप्पी हो गया था। और पापा जी को भी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, मेरे से भी मिले, मम्मी से भी मिले, विहान से भी मिले, पूरे परिवार से मिलके इतनी अच्छी खुशी हो रही थी। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने पपीता काटा था, ये पपीता मैंने विहान को खिलाया था कल पार्क में ले जाके, हाँ पार्क में ले जाके खिलाया था। और ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, तो मैंने अपना व्रत खोला था इस तरीके से। तो अब मैं अपना प्रॉपर खाना भी खाया करूँगी, खाना पीना। और पता है आपको, पता है ना मेरे को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, तो मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं पिछले 9-10 दिनों में मैगी को बहुत मिस कर रही थी, मेरे को मन था कि जैसे मेरा व्रत खुलने के बाद मैं मैगी ज़रूर खाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले मैगी नूडल्स बना के इस तरीके से खाई, और ये अगला दिन आ गया है, मतलब आज का दिन। तो आज मैंने सुबह सुबह सो के उठते ही देखो पहले अपना पानी पी लिया था, पानी पीने के बाद मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, और मेरे बाल सच में अच्छे हो गए हैं। देखो ना, आपको खुद ही नज़र नहीं आ रहा, जब से मैं बालों का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, आप मेरे बाल देखो कितने घने नहीं हो गए हैं, लंबे लंबे से, और अब ना पहले टूटते भी नहीं। आप मैं कंघी कितनी भी कर लो, मैं मेरे बाल बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गए हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट लिया तो अच्छा। मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, देखो मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती हूँ कि कोई नाम खुदवा ले अपने हाथ पे या अपने चेस्ट पे, आपका मतलब के पार्टनर्स का नाम खुदवा ले, तो इसमें कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है कि हाँ मैं खुश होऊंगी। मुझे तो सच बताऊँ, ऐसे लोग जो हाथों पे नाम खुदवा लेते हैं, मतलब वो भी इस तरीके से, तो वो तो मुझे सनकी लगते हैं, सच में मुझे तो पागल लगते हैं ऐसे लोग जो हाथों पे गले पे इस तरीके से नाम खुदवा खुदवा के घूमते हैं। तो इसमें कोई ना बड़ाई की बात नहीं है या कुछ अच्छी बात नहीं है, देखो इंसान को ना थोड़ा समझदार होना चाहिए। देखिए छोटी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उम्र के साथ ही अच्छी लगती हैं। आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 24 साल के हो, तो आपको समझ में आता है कि चलो आप ऐसा काम कर सकते हो। बट अब जैसे मेरी उम्र है, मैं 31 साल की हूँ, तो लोग मुझसे थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर की उम्मीद रखते हैं कि हाँ मैं थोड़ा समझदारी दिखाऊंगी, तो ये समझदारी होनी चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ इन चीज़ों से। तो ये देखिए, यहाँ पे आज घिया की वो बनाते हैं सब्जी, तेल गरम हो गया है, इसमें ऐड कर दिया हमने लहसुन, अब हम ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, टमाटर, मसाले, 2 मिनट के लिए ढक दो। अब इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस की हुई घिया,
देते हैं सब्जी को। एक्चुअली पापा जी आए हुए हैं ना, तो मैंने सोचा घर पे ही उनके लिए खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी छोक दी थी, घिया की भुजी बना रही थी, और मैं अच्छी बना लेती हूँ, बहुत आसान है। सब्जी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद ये आटा लगाने लग रही थी, और आज भी देख लो विहान ने नहीं खाई रोटी बना के। पापा जी ने तो मुझे बोला कि अभी सुबह सुबह मैं नहीं खाऊंगा, दिन में खाऊंगा, तो मैंने पापा जी की रोटी बना के नहीं रखी, फिर ठंडी हो जाती। मैं कहा चलो बाद में टाइम टू टाइम बना दूंगी जब उनको खानी होगी। तो मैंने अपनी और विहान के लिए रोटी बनाई थी। यहाँ पे देखो मैं लाइटर ढूंढ रही थी, तो यहाँ गैस चला के मैं तवा चढ़ा देती हूँ, और यहाँ जो रोटी है बस तीन ही रोटी बनाई थी, और तीनों रोटी मुझे खानी पड़ गई। विहान बोलता मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं चावल खाऊंगा। बताओ मतलब रोटी खाता ही नहीं है वो, चावल तो फिर भी एक टाइम पूरे दिन में एक टाइम जैसे खा लेता है, अगर उसका मूड है तो वो खा लेगा, लेकिन रोटी नहीं खाता है। मुझे तो लगता है इसको ना साउथ इंडिया में पैदा होना चाहिए था, जहाँ पे ज़्यादातर चावल ही खाया जाता है, चेन्नई साइड, तो ये भी तो बहुत चावल ही चावल बस। तो यहाँ देखो मैंने रोटी बना दी थी, रोटी बनाने के बाद इसको मैं अच्छे से घी लगाने लग रही थी। बट ये अच्छा है कि चलो सुबह सुबह मैंने देखो अच्छे से पेट भर के आज इतने दिनों बाद खाना खाया, और अच्छा लग रहा था। और मेरा वज़न देख लो, जैसे ही खाना खाने लगी मेरा 73 किलो हो गया, बढ़ गया ना वज़न। तो वही मैं कह रही थी कि भूखे रहने से कभी हम पतले नहीं होते हैं, उस वो जब आप खाना फिर से शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपका वज़न फिर बढ़ने लग जाता है। और ये देखो जी कैसी लगी सब्जी, बहुत आसानी से और बहुत अच्छी बन गई थी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड करी, वैसे मैं हरी मिर्च खाती नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरे को आज पता नहीं क्यों थोड़ा तीखा खाने का मन था। तो यहाँ पे मैं विहान को दही के साथ ही खिला रही थी, क्योंकि सब्जी तो ये वैसे भी नहीं खाने वाला था, इसीलिए मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, तो बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाया, यहाँ पे देख लो आपके सामने है। तो अब आप मेरे को ये मत कहना कि निधि आप में कमी है, आप बनाते नहीं हो, बनाते सब कुछ है लेकिन ये खाता नहीं है। ये खाता है दही चावल, घी चावल, दही भी नहीं, सिंपल चावल नमक और घी ऐड करके वो खा लेता है, चावल खा लेगा या मतलब और फल फ्रूट खा लेता है। देखो मेरे को ये है कि बच्चे को ये नहीं है कि कोई दिक्कत है अंदरूनी शरीर में कि बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा खाता है लेकिन ये फल फ्रूट ही खाता है। पूरे दिन में ये सेब खा लेगा, पपीता खा लेगा, केला खा लेगा, अंगूर खा लेगा, चीकू खा लेगा, मतलब फल फ्रूट तो खिला दो, ये खा लेगा, ये मना नहीं करता कभी भी। लेकिन दूध भी अब जैसे थोड़ा पी लेता है कभी, जैसे वो ऊपर वाले पड़ोस वाली आंटी पिला देते हैं ना, तो ये विहान पी लेता है, लेकिन ये रोटी के मुंह नहीं लगाता, सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाता है, ये खाएगा तो बस दाल चावल। तो यहाँ पे और खाता भी यहाँ पार्क में है, तो सुबह का नाश्ता इसका यही रूटीन रहता है, इसको पार्क में यहाँ लेके आती हूँ, यहाँ पे घूमते फिरते ये खेलता रहता है, कभी किसी झूले पे कभी किसी झूले पे, और मैं इसके आगे पीछे घूमती हूँ तब जाके ये कहीं कुछ खाता है। तो इसको मैंने यहाँ एक सेब, छोटा सेब था, कट करके लेकर आई थी कि चलो ये खिला दूंगी। और इसीलिए मैं घर पे देखोगे ना, मैं फल फ्रूट इतना रखती हूँ ना घर में, जब भी मतलब हर हफ्ते मेरा ना कम से कम 1000 रुपये का फल फ्रूट आता है, हर हफ्ते का मतलब महीने का 4-5 हज़ार रुपये का तो मैं सिर्फ फ्रूट्स लाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा बच्चा फिर अनाज नहीं खाता ज़्यादा, तो ये फल फ्रूट खाएगा। तो जैसे पूरे दिन में एक केला खिला देती हूँ, कभी सेब खिला दिया, कल जैसे मैंने शाम को ले जाके इसको पपीता खिला दिया, आपके दिखाया नहीं मैंने वीडियो में, तो ये पपीता खा लिया, फिर कुछ नहीं खाया इसने रात को, देख लो बस वही खाया था पपीता, फिर एक चीकू खिला दिया इस तरीके से बस। और यहाँ पे देखो इस तरीके से ये विहान भी एक्सरसाइज कर रहा है, और मैंने विहान को थोड़ा गंजा भी इसीलिए कर दिया कि अब चलो गर्मियाँ आ गई है, साल में एक बार तो देखो अभी बच्चा छोटा है उसको गंजा कर लेना चाहिए, तो मैं अप्रैल महीने में ही पसंद करती हूँ जैसे बच्चे को बीच में गंजा करना। और अभी देखो पापा जी आए हैं, तो हमारे घर में खुशियाँ वापस आ गई हैं, है ना, बहुत कमी महसूस होती थी ना पापा जी को, महीने में एक बार भी आ जाते हैं तो देखो अच्छा लगता है, परिवार एक हो जाता है, फैमिली सब मिलती है परिवार, और अच्छा लगता है। देखो विहान भी खुश हो जाता है, उसे भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब इस तरीके से, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और देखो बड़ों का तो सहारा होता है, बड़े तो बैठे दिखते हैं ना तो हिम्मत मिलती है, लगता है कि हाँ हमारे माँ बाप बैठे हैं। तो बस भगवान जी हमारे मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, और वो सब कुछ देखें विहान का, मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको आगे और लाइफ में खुशियाँ मिले, मैं भी कुछ अच्छा करूँ ज़िंदगी में, और मुझे भी देख के मेरे फादर खुश होएं कि हाँ चलो निधि ने कुछ अच्छा ज़िंदगी में अचीव किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा मैं ये कह रही थी, मैं ये कल परसों लाई थी ना ये वाले पैकेट, ये 60-60 रुपए के दो लाई थी स्टिक्स,
दोनों के दोनों पैकेट में से मुश्किल से एक विहान ने खाया था, बाकी सारे मैं खा गई। और कल खाए हैं मैंने, एक महीने से मीठा नहीं खा रखा था। कल मैंने व्रत खोला ना तो मेरे को इतनी इच्छा हो रही थी कि मैंने जो मतलब मुझे ना हर तरीके की चीजें खा के देखनी है, तो मैंने ये दो डब्बे पूरे निपटा दिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या खाया था, फिर मैंने मैगी खाई, उसके बाद मैंने फिर एक और मैगी मतलब खाई, दो बार बना के खाई ऐसे मतलब, और दो चार काजू कतली भी खाई मैंने, मीठा खा के व्रत खोला था मैंने। फल फ्रूट खा के भी खोल सकते हैं व्रत। अब मुझे वैल्यू समझ आ रही है खाने की, क्योंकि मैंने अभी बीच में इतना टाइम खाया नहीं ना, तो मुझे सच में वैल्यू समझ में आती है कि फूड और हेल्दी फूड और घर का बना हुआ फ्रूट फल, ये क्या कह रही हूँ, सॉरी फल फ्रूट नहीं, सॉरी ये फूड, हाँ खाना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं तो अब घर पे ही खाना बनाया करूंगी डेली, लातना सब्जियां, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को पता भी नहीं चला ये 9 दिन कैसे निकल गए। और सही में जब आपकी मन में श्रद्धा पक्की होना, भगवान जी पूरी करते हैं, सच में होती है चीजें, मैं तो ये मानती हूँ अब। तो आप लोगों से मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अभी घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं, मैं ऑफ कैमरा करूंगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे जी आप लाइक भी कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ, एक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं होता कि मैं ना पढ़ रही हूँ। हाँ जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ आप समझ सकते हो, लेकिन लगता है आप लोग कुछ पूछते हो तो मैं वीडियो में जवाब दे देती हूँ, है ना जी, आप कमेंट कर देते हो मैं वीडियो में आंसर दे देती हूँ। तो ठीक है जी, हैंड करते हैं वीडियो का, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।